खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अपने इत्तेहादी शेख रशीद के मुकाबले में भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। फवाद चौधरी और उनके खानदान को भी टिकट्स न दिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फहीम अख्तर। इंतखाबी निशान के लिए कानूनी जंग लड़ने वाली तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के लिए अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। कौमी असेंबली के 266 में से 237 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर खान NA-10 बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA-4 सवात से मुराद सईद को टिकट जारी किया गया है, तहम उनकी अदम मौजूदगी की सूरत में कमाल खान को भी टिकट जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ के अपने इत्तेहादी शेख रशीद के मुकाबले में भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। NA-56 रावलपिंडी से शहरयार रियाज और NA-55 रावलपिंडी से बशारत राजा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा फवाद चौधरी और उनके खानदान को भी टिकट नहीं दिया गया। कराची से फिरदौस शमीम नकवी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। NA-49 सटक से ताहिर सादिक, NA-50 से उनकी बेटी ईमान ताहिर PTI की उम्मीदवार होंगी। NA-46 से आमिर मुगल को टिकट जारी किया गया है। शोएब शाहीन NA-47 इस्लामाबाद, जबकि अली बुखारी NA-48 इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। NA-58 चकवाल से टिकट अयाज अमीर को दिया गया है। अली अमीन गंडापुर NA-44, शेर अफजल मरवत NA-41, शानाना गुलजार NA-30 से इलेक्शन लड़ेंगी। आतिफ खान को NA-22, असद कैसर को NA-19, अली मोहम्मद खान को NA-23 से टिकट दिया गया है। शहराम तरकई NA-20, शहरयार आफरीदी NA-35 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA-107 से रियाज फतियाना, NA-108 से साहबजादा महबूब सुल्तान PTI के उम्मीदवार होंगे। NA-112 ननकाना साहब से एजाज शाह, NA-118 से आलिया हमजा, NA-122 से लतीफ खोसा, NA-128 से सलमान अकरम राजा, NA-130 से यास्मीन राशिद, NA-149 से आमिर डोगर को टिकट दिया गया है। NA-155 लोधरा से पीर इकबाल शाह जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबल होंगे। कमल शोजिब NA-166, जमशेद दस्ती NA-175, जरताज गुल NA-185, हलीम आदिल शेख NA-232 से उम्मीदवार।